कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाले नेता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो टेप लीक होने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो टेप में मनीष तिवारी कहते हुए सुने जा रहे हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वामित्व वाली पार्टी है। मनीष तिवारी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वामित्व वाली पार्टी है। मनीष तिवारी ने शहजाद पूनावाला से कहा कि अगर तुम नेता बनना चाहते हो तो कुछ समय के लिए रुक जाओ। आपको बता दें कि जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। It is not a political party, and no political party in India is a political party. They are all group writerships. This is the second wave of reforms which are very essential for democracy. Now, if you want to be a pioneer of the, for that and put everything else on a hold, then it is worth doing. एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि बातचीत जब मनीष तिवारी और शहजाद के बीच में हुई तो उस दौरान किन बातों का जिक्र हुआ, क्या क्या एक दूसरे से बात हुई, और जो ये ऑडियो टेप आप सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले ही, उस ऑडियो टेप के लीक होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है। It is not a political party, and no political party in India is a political party. They are all group writerships. This is the second wave of reforms which are very essential for democracy. Now, if you want to be a pioneer of the, for that and put everything else on a hold, then it is worth doing it. Audio tape सामने आने के बाद कांग्रेस ने शहजाद पूनावाला पर ही सवाल उठाए। इस सिलसिले में हम बिल्कुल सफाई के साथ ये कहना चाहेंगे कि शहजाद पूनावाले हों या कोई भी हों, इस तरह की कोई भी बात अगर किसी ने की है तो पहले ये देखना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है और वो किस से बात कर रहे हैं। और अब किसी और की बात नहीं सुनते हैं, सीधे हम हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, उनसे ही इस ऑडियो टेप के बारे में, इस बातचीत के बारे में सुनते। स्वागत है शहजाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फोन आपकी तरफ से हुआ था या मनीष ने आपको किया था? तो क्योंकि इसके सच्चाई पे थोड़ा सा अभी भी लोगों को हो सकता है डाउट हो, मैं आपके चैनल पे ऐलान करता हूँ कि कल के मेरे जो भी कॉल्स आए हैं, मेरा एयरटेल का नंबर है, मैं नंबर आपको दे दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम हो या एयरटेल के पास से हो, आप सारे कॉल्स के रिकॉर्ड मिला दीजिए। मनीष जी अनआइडेंटिफाइड नंबर से कॉल करते हैं, उनका मास्क होके आता है। मुझे 11:19 को उनका कॉल आया, 4 मिनट की कॉन्वर्जेशन हुई, वो पूरी नहीं हुई थी, तो उसका जो रिटर्न कॉल हमको आया था, हम ने एक दूसरे को कॉल बैक किया था, तो रिटर्न कॉल कुछ चश्मदीद गवाहों के सामने दोपहर को आया था, वो भी गवाह हैं। आचार्य जी की भी जो बातचीत सुन रहे हो, 11:34 को आया था, उनका तो नंबर दिख रहा है। संदीप जी की परसों रात को बात हुई थी, उनका भी नंबर कॉल लॉग में मेरे दिख रहा है। पर मैं फिर भी स्वागत करता हूँ कि जिसको जो फॉरेंसिक एविडेंस करानी हो, जो जाँच करानी हो, कराएं। ये मुझे इसलिए करना पड़ा, मैं आपको बता दूँ, ये मेरी फितरत नहीं है, मैंने तो पहली बार कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड भी किया, इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता था पहले से कि इस तरह की कुछ बात हो सकती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने जब व्यवस्था, परिवारवाद की व्यवस्था पे और राहुल जी के होने वाले चयन पर, कि वो चुनाव नहीं चयन है, उस पर जब मैंने कुछ तथ्य के साथ सवाल उठाए और कुछ सवाल पूछे, तो सवालों का जवाब देने के बदले कांग्रेस के कुछ जो परिवारवाद के जो चाटुकार हैं, उन्होंने मुझे खारिज कर दिया। क्या तुम्हारी हैसियत क्या है, जैसे मीम अफजल कह रहे हैं, जो मुझे बहुत बार फ़ोन पे बातचीत करते थे, हौसला अफजाई करते थे। कुछ और लोगों ने बोला 2.5 साल से मैं कांग्रेस में मेंबर ही नहीं हूँ। ये अशोक चव्हाण जी का पत्र है 2016 का, मुझे नियुक्त किया। जनार्दन द्विवेदी जी का पत्र है सारे लेटर्स है, सारे प्रूफ्स है, फोटोग्राफ्स है कि मैं पार्टी का सदस्य हूँ। तो दो इतना बड़ा झूठ कह दिया, तो मुझे लगा कि एक ही रास्ता है कि मुझे अब विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। और जो ये कह रहे ना कि मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, मैं आपको कांग्रेस के सदस्यों की बात सुनाता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। मनीष तिवारी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने सही बात कही, ये मानते भी है कि गलत चीजें हैं, मैं उनको फंसाने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन वो ये नहीं पता था ना कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी बात। ये बात सही है। देखिए, जब गांधी जी विदेशियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके टाइम पे काला कानून था नमक का, तो नमक का कानून उसको तोड़ना तो पड़ा ना उनको,
उनको दांडी मार्च भी तो निकालनी पड़ी ना, सिविल डिसोबीडियंस। अभी ये गुलामी चलेगी तो गुलामी के खिलाफ अगर मुझ पे इस तरीके का आरोप लगाया जाएगा। आप एक और गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस को गुलाम की तरह ट्रीट कर रही है। नहीं, गांधी परिवार के चाटुकार जो है, जैसे उन्होंने कहा आपकी हैसियत क्या है। सर मेरी हैसियत कुछ नहीं है, चलिए मैं आम आदमी हूँ, मैं आपका नेता भी नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी तो नेता है, वो क्या कह रहे हैं, स्वामित्व है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो ये बात उठा रहे हो इलेक्शन के बारे में, जो सिलेक्शन है, आप ये कहोगे तो वन वे टिकट आउट ऑफ द पार्टी है। इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए कि मतलब आप बाहर जाओगे। और वही तो हुआ मेरे साथ कि मुझे तो आप मना कर दिया कि आप नहीं हो। क्यों कर रहे हैं, ताकि इनको डर रहे कि ये सिलेक्शन वाले चुनाव में भी अगर मैं आ जाऊं चुनाव लड़ने तो कहीं हार ना जाए। राहुल जी, शहजाद वापस आते हैं इस ऑडियो टेप पर, जरा इसकी तस्दीक कीजिए कि इस दौरान जो बातचीत अभी वायरल है, जो सुन पा रहे हैं लोग, जो ऑडियो टेप कथित तौर पर आपके और मनीष तिवारी की बातचीत का सबके सामने है, उसके अलावा और भी कुछ बात हुई क्या इस फोन कॉल पे? इस फोन कॉल पे हाँ, ये बात हुई कि जैसे मैं उनको समझा रहा था कि किस तरीके से दिल्ली में डेलीगेट को फिक्स किया गया है, और उसका भी मैंने ऑडियो दिया है। उसमें एक डेलीगेट खुद बोल रहा है कि हमारा चुनाव नहीं हुआ, जो संविधान में चुनाव लिखा संविधान के तहत चुनाव नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने उनको बताया कि अगर हमारे पार्टी में टैलेंट और मेरिट को तवज्जो दी जाती तो अब अजय माकन देखिए लगातार चुनाव हारते रहते फिर भी उनका प्रमोशन होता है, लोकसभा हारे कैबिनेट मंत्री रहते हुए, फिर विधानसभा हारे, विधानसभा में अंडा दिलवाया उन्होंने पार्टी को, सीडी में पहली बार तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के पीछे आ गए हम लोग। अब बवाना बायपोल जिसमें हम लोगों की जीतने की उम्मीद थी वहां पे नंबर 3 पे आ गए शायद हम लोग, या डिपॉजिट जब्त हो गई है जो भी है। तो अजय माकन क्यों बने हैं अभी तक डीपीसीसी प्रेसिडेंट, अगर हमारी पार्टी इतनी फेयर ट्रांसपेरेंट मेरिट पे चल रही है, सब चीज मेरिट पे हो रहा है, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है, तो अजय माकन जी का बता दीजिए। ये बात मैंने मनीष जी से पूछी और वो मान रहे थे, संदीप जी भी माने, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो बोला मैं 100% मानता हूं सिलेक्शन है इलेक्शन नहीं है। शहजाद लेकिन एक चीज बताइए, मैं इससे पहले भी मेरी आपकी बात हुई थी जी न्यूज पर, तो आप बैठे हुए थे, आपसे मैंने यही सवाल किया था कि ये कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस में, ये जो आप बातें बता रही हैं तमाम पुरानी बातें हैं। अचानक आपको ये ज्ञान कैसे हुआ कि आप इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर उस वक्त बोले जिस वक्त राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने जा रही है? ये मैं आपको बताता हूँ, मैं तो 2011 से उनको पत्र दे रहा था, लिख रहा था, SMS कर रहा था कि मुझे आप प्लीज़ मौका दीजिए बात रखने का। मुझे जब नियुक्त किया गया 2016 में, उस एक साल के भी SMS मेरे पास है उनके दफ्तर में जो मैंने भेजे उनके सेक्रेटरी को, उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर 15 नवंबर को लेटर लिखा मैंने कि देखो डायनेस्टी पे और कुछ स्ट्रक्चर्स पे मुझे बात करनी है, नहीं किया। 28 नवंबर को लिखा क्योंकि चुनाव इतना करीब आ गया, ये चुनाव नहीं था, ये सिलेक्शन हो रहा था, और राजीव त्यागी जैसे लोग बोल रहे थे 100 साल तक रहेंगे गांधी। मैं यहाँ पे किसी एक परिवार की सेवा के लिए नहीं हूँ, मैं मेरी पार्टी की सेवा के लिए हूँ, मुझे तो जानना चाहिए ना। आप गलतफहमी में थे अभी तक, मैं एतबार कर रहा था राहुल जी ने 2007 में जब जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया, चुने नहीं गए। देखिए शहजाद, ये तो हैरानी की बात हो गई ना कि 2011 से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी चलती है, तभी से आप लगातार बात करते हैं, और जब उनको प्रेसिडेंट बनाने की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो जाती है, उनके नाम का ऐलान रह जाता है सिर्फ, तो आप खड़े हो जाते हैं। जी मैं आपको एक बात, ये आपकी राजनीतिक मंशा तो नहीं है इसके पीछे कोई? जहाँ तक मेरी राजनीतिक मंशा है, मैं आपके चैनल पे हजारवीं बार ऐलान कर रहा हूँ, मुझे ना टिकट चाहिए ना पद चाहिए, जो मेरा महाराष्ट्र कांग्रेस का पद है वो भी ले लो, मुझे कार्यकर्ता की हैसियत में ही रहना है, एंटी डायनेस्टी फ्रंट बना के काम करना है, डायनेस्टी के खिलाफ करना है। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ ना, आपका सवाल यही है ना, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सही काम करने का कोई गलत वक्त होता है? और अगर आपके चैनल में कुछ खराब चल रहा है तो आप क्या पहले दिन ही चैनल छोड़ दोगे? आप पहले सुधार करने की कोशिश करोगे, आप बात करोगे, एडिटर से मिलने की कोशिश करोगे, अपना चैनल है, आप अपने चैनल को प्यार करोगे। मैं अपनी पार्टी को प्यार करता हूं, उन्होंने मुझे बोला कि बदलेंगे ना सिस्टम 2007 में, 2013 में भी बोला कि मैं बदलूंगा, मैं कैसे नहीं उनको समझ ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तमाम यूथ को लेकर वो साथ चल रहे हैं, तो मैं आपको उसका भी प्रमाण दूं, हर चीज में मैं ही प्रमाण दे रहा हूं, मैं ट्रायल पे हूं। पर मैं आपको बताता हूं, 2013 में उन्होंने बोला बदलेंगे सिस्टम, 2014 में 48% जो कैंडिडेट हमारी जीत के आए परिवारवाद से है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आप रोकने बोलिए मुझे, पंजाब, हरियाणा, अच्छा रुकू मैं, ये कौन है इनके स्टेट प्रेसिडेंट? ठीक है, कौन है? लेकिन शहजाद एक चीज बताइए, तो आप मुझे बताइए, एक चीज मैं आपको लास्ट बोलना चाहता हूँ कि अगर डायनेस्टी एक्सेप्शन होता और मेरिट रूल होता ना तो शहजाद पूनावाला अभी भी नहीं बोलता, पर आज डायनेस्टी रूल है और एक्सेप्शन बन गया है मेरिट और टैलेंट। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे जैसे करोड़ों लोग इस पार्टी में क्या करेंगे? शहजाद आपको पार्टी ने अब पहचानने से इनकार कर दिया या अभी पार्टी कह रही है कि आप नेता हैं?
वो तय कर ले, कभी कहते हैं कि उनको निकालना है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, कभी कहते हैं हैसियत की बात करते हैं और कभी कहते हैं मैं सदस्य ही नहीं हूँ जबकि मैंने प्रमाण आपके सामने रखे और प्रमाण आपको देकर जाऊंगा। दूसरी पार्टी पसंद आ रही है आपको? नहीं, ऐसा लगता है लोकतंत्र है मुझे ऐसी पार्टी, आपको मुझे इंडिया में ऐसी कोई पार्टी लगती है जिसमें आपको लगता है लोकतंत्र है? मुझे एक दूसरी पार्टी पसंद आ रही है, उसका नाम है कांग्रेस माइनस डायनेस्टी, मैं उसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस से अलग होकर कोई नई पार्टी बनाएंगे? सर मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मीम अफजल साहब ने बताया, मैं तो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। हैसियत तो इतनी ज्यादा है ना कि आप राहुल गांधी से कभी भी मुलाकात करने के लिए जा सकते थे। आपकी भाभी ने एक फोटो भी ट्वीट किया है, आपने वो तस्वीर देखी क्या? अच्छा है वो उनकी शादी की तस्वीर है जिसमें राहुल, मैं अपने एक ब्लू वो जो मैंने सिलवाया था शादी के लिए वो पहना है। राहुल जी आए थे उस समय, पहली बार मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिला था स्टेज पे शादी के, उस समय पे कुछ आपके चैनल के भी लोग थे, अमीश देवगन जी पुराने आपके साथी, सुमित अवस्थी पुराने आपके साथी, वो लोग थे। उस दौरान मैं उनसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा था। अरे भाई वहाँ पे आने के बाद भी, जानने के बाद भी कि मैं ऑफिस बेरर हूँ, बाकी सब तो छोड़ दो कि मैं ऑफिस बेरर हूँ, मुझे 6 सालों में वक्त नहीं दिया उन्होंने। आप अभी क्योंकि मैं डायनेस्टी के ऊपर, आपकी उम्र अभी बहुत ज्यादा है नहीं शहजाद पुनावाला, उम्र बीत जाती है राजनीति में तो पद और मुकाम हासिल करने के लिए, इतनी जल्दबाजी आपने क्यों दिखाई? सर मैं पद नहीं चाह रहा, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, मैं राहुल गांधी को ही अध्यक्ष देखना चाहता हूं, पर चुनाव से, राहुल होने की वजह से, गांधी होने की वजह से नहीं। अच्छा मुझे तो छोड़, फिर सीधे शहजाद तो सीधे सीधे कहिए ना कि आपको गांधी परिवार से समस्या है, आपको राहुल गांधी से समस्या है, क्योंकि वंशवाद तो वहीं से है ना कांग्रेस में। सर आपको और कोई परिवार तो है नहीं कांग्रेस में जहां से वंशवाद आगे बढ़ रहा है, या आपको लगता है कि और भी और बहुत सारे परिवार हैं जिसके खिलाफ भी आप आवाज उठाना चाहते हैं? सर 48% टिकट दिए गए, वो कौन से परिवार थे? सिर्फ गांधी परिवार नहीं है, तो उन सब तमाम परिवारों के खिलाफ आपकी ये लड़ाई है? मेरी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को यकीन नहीं आता। अच्छा मैं, मुझे एक बात छोड़ दीजिए, मैं तो सबसे गया गुजरा हूं, मेरी नियत पे खोट है, जैसे मेरी भाभी भी कह रही हैं या वो अपने आप को मानती नहीं होंगी। मनीष शंकर अय्यर का ये बयान है, वो कहते ऑन सोनिया एंड राहुल गांधी ओनली 2 पीपल कैन बी कांग्रेस प्रेसिडेंट, मदर और सन। आप मुझे बताइए कि इमेज तो पार्टी में ऐसी ना कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं ना सर। शहजाद एक सेकंड मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि मैं गांधी फैमिली को टारगेट कर रहा हूँ, मनीष शंकर तो सबसे वफादार रहे हैं ना उनके, तो वो भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इमेज तो ऐसी होगी ना कि वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, एक मनीष तिवारी जी का जो ऑडियो अब सामने आया, शहजाद तो हमारे साथ स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं, उनकी बातें आपने सुनी होंगी और नहीं तो हम आपको एक बार सुनवा देते हैं, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया सर। साफ तौर पर देखिए, मनीष तिवारी हो या शहजाद पूनावाला हो या जो अन्य लोग जो किसी वंश से नहीं आए हैं, जैसे वो सचिन पायलट नहीं है, वो जितिन प्रसाद नहीं है, वो आरपीएन सिंह नहीं है, तो ऐसे लोगों का आपस में जब भी प्राइवेटली बात करते हैं तो कांग्रेसी वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं। शहजाद ने इस बात को देर से ही नहीं लेकिन दुरुस्त तरीके से उठाया है। कांग्रेस एक वंशवादी परिवारों का इलिट क्लब बनकर रह गया, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? कोई व्यक्ति जैसे भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय अमित शाह युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक वार्ड के पद से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सामान्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनते हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी सामान्य कार्यकर्ता। प्रेम शुक्ला जी शहजाद पूनावाला अच्छे लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं शहजाद पूनावाला अच्छे लग रहे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो शहजाद पूनावाला देर से लेकिन वंश की जो ये वंशवाद पर आधारित एक जो लोकतंत्र के नाम पर अर्ध सामंती है क्या पूर्ण सामंती, आप जो एक व्यवस्था खड़ी किए पड़े हैं उस पर जो लोग प्राइवेटली बात कर रहे थे, सार्वजनिक बात कर रहे हैं, अब इसमें आपको बुरा लग रहा हो तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं जी, कल के चुनाव के नतीजे आए, कौन दोन पार्टी? प्रेम शुक्ला आप रहिए हमारे साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूं और दर्शकों से पूछ रहा हूं, जिन दो पार्टियों का सिद्धांत और मूल ही परिवारवाद है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, और जिन पार्टियों का सिद्धांत और मूल परिवारवाद नहीं है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? मैं आपसे कह रहा हूँ बतौर कांग्रेसी कह रहा हूँ, सीधे कहिए ना कि बीजेपी आपको पसंद है? नहीं सर, मैं मुझे कोई नहीं, सर बीजेपी में मैं नहीं हूं, मैं बीजेपी की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, मैं कांग्रेस में हूं, अगर कांग्रेस से परिवारवाद हट जाए, आप हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं रखने दे रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस कह रही है कि आपको कोई पद दिया नहीं, आप कांग्रेस में है नहीं, अभी तक आप टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलते रहे और कांग्रेस ने अभी आपको पहचानने से इनकार कर दिया और अब कांग्रेस आपको रखेगी, आपको लगता है? शहजाद बात रखूं जी, कांग्रेस से अगर परिवारवाद हट जाए
हमारी 30% सीट हर चुनाव में बढ़ जाएगी, इसको ट्राई करके देखिए। गुजरात आ रहे हैं ना चुनाव, एक बार ऐलान कर दे कि हम परिवारवाद खत्म कर देंगे, अगर 150 सीट ना आई, मैं चाह रहा हूं कांग्रेस जीते 150 सीट मिले, अगर 150 सीट ना आए तो मेरा नाम बदल देना आप प्लीज, कांग्रेस को डायनेस्टी से मुक्त कर रहे हैं, ये ऐलान कीजिए गुजरात चुनाव के लिए, आप कीजिए ना, क्यों नहीं करते? और मैं क्या गलत मांग रहा हूं, मैं सिद्धांत मांग रहा हूं सर, मुझे नहीं चाहिए बीजेपी आरएसएस, उनके जो समस्याएं हैं उनमें जो खराबियां हैं वो मैं तब उनके ऊपर बोल सकता अगर मैं उनका सदस्य होता, मैं अपनी पार्टी की खराबियों पे, यशवंत सिन्हा बोलते हैं, अरुण शौरी बोलते हैं, तो मेरे नेता एक्सेप्ट करते हैं। शहजाद एक बार आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त नहीं है अब हमारे पास, जिस ऑडियो टेप की आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं और जिस ऑडियो टेप में आपके और मनीष तिवारी की बातचीत का दावा किया जा रहा है, उस ऑडियो टेप पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और खुद कांग्रेस ही उठा रही है, तो उसको लेकर आप एक बार फाइनल बताइए कि आप चाहे कोई भी टेस्ट हो, किसी तरह की भी जानकारी हो, उसको आप सार्वजनिक करने के लिए, सामान्य करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं कोई भी आप फॉरेंसिक टेस्ट ऑडियो का जो होता है, वो वॉइस टेस्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं, और मेरे फ़ोन रिकॉर्ड जो नंबर मैं आपको देकर जाऊंगा, और मनीष जी का जो मास्क नंबर है और संदीप जी का, आचार्य जी का जो नंबर है वो देकर जाऊंगा, उनके रिकॉर्ड कल परसों के सर्विस प्रोवाइडर से निकाल दीजिए। और मैं इसके अलावा, हालांकि मैं मुसलमान हूं तो मैं कुरान को मानता हूं, तो कुरान पे हाथ रख के भी ये कहने को तैयार हूं कि ये बात हुई थी, कल हुई थी, और इसके अलावा मनीष जी की कॉन्वर्जेशन के चश्मदीद गवाह भी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो शायद बोलेंगे भी। अब इसके आगे आप मेरे से, अगर मैं झूठ बोलूं तो जेल डाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम बातें रखी, क्योंकि संदेह इस बात को लेकर था कि जो ऑडियो टेप जिसकी आवाज लोग सुन पा रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुरान पर हाथ रखकर आप कसम खाने को तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के टेस्ट से गुजरने के लिए आप तैयार हैं, तो ठीक है, आपकी बात, आपका विरोध, पार्टी आपकी सुने, हमें उम्मीद करते हैं, और कांग्रेस में बदलाव आए इसकी भी हम उम्मीद करते हैं।